अस्सलाम वालेकुम आरएनएन न्यूज के साथ मैं हुरबा बक। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। कराची डीआईजीपी वेल जोन ऑफिस में पुलिस वेलफेयर बेनिफिट के चेकों की तकसीम। डीआईजीपी वेल जोन नासिर आफ्ताब की हिदायत के मुताबिक आज पुलिस वेलफेयर बेनिफिट के चेकों की तकसीम करने की एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें मंजूर होने वाली माली इमदाद के चेक मुतालिका पुलिस अफसरान और मुलाजमान में तकसीम किए गए। डीआईजीपी वेल जोन की जानिब से पुलिस वेलफेयर बेनिफिट के तहत पुलिस मुलाजमान की तजहीज और तकफीन के अखराजात की मद में 22 मुतासरीन को चेक तकसीम किए। रिटायरमेंट की मद में 144 पुलिस अफसरान और मुलाजमान को उनके वाजिबात के चेक दिए। डीआईजीपी जोन ने अपने पैगाम में कहा कि आईजी साहब सिंध और एडिशनल आईजी कराची की हिदायत की रोशनी में पुलिस अफसरान मुलाजमान की फलाह बहबूद का हर तरीके से ख्याल रखा जा रहा है और उन्हें हर मुमकिन सहूलत मुहैया की जा रही है, खासकर रिटायरमेंट के बाद वाजिबात की फौरी अदायगी की जा रही है। इलाज मुआवजा के अलावा बच्चों की तालीमी शादी ब्याह ग्रांट और दीगर सहूलतें दी जा रही हैं, ताकि पुलिस अफसरान मुलाजमान दौरान ड्यूटी तहफ्फुज़ महसूस करें। इसके अलावा भी जोन की सतह पर अफसरान मुलाजमान के मसाइल हल किए जा रहे हैं। एसएसपी जिला किमाड़ी फिदा हुसैन जावरी की सरबराही में जिला किमाड़ी पुलिस जराइम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैक डाउन जारी रखे हुए हैं। गुज़िश्ता रात SHO थाना साइट ए सैयद जफर अली शाह की पुलिस पार्टी के हमरा साइट एरिया वली का ग्राउंड के पास कामयाब कार्रवाई। स्पीड क्राइम में मुलव्वज़ दो मुलजिमान जिनके नाम मोहम्मद मास और तौकीर खान नाजायज असलहा समेत गिरफ्तार। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से 2 अदद गैर कानूनी पिस्तौल एम्युनिशन बरामद हुए। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा सिंध आर्म्स एक्ट दर्ज किए गए। मुलजिमान का सबका रिकॉर्ड हासिल करके मजीद तफ्तीश की जा रही है। EVLC कराची की चोरी की मोटरसाइकिलों पर बैंक से रकम लेकर निकलने वालों को लूटने वाले गिरोह के खिलाफ कार्रवाई। KPK से आकर कराची में लूटमार करने वाले गिरोह के 4 मुलजिमान गिरफ्तार। 4 पिस्तौल और 2 चोरी की गई मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गईं। तफसीलात के मुताबिक EVLC कराची ने कार्रवाई करते हुए गुज़िश्ता 7 सालों से KPK से कराची आकर आर्थिक रिहाइश हासिल करके चोरी की मोटरसाइकिलों पर बैंक से रकम लेकर निकलने वालों को लूटने वाले 10 रुकनी गिरोह के 4 मुलजिमान को गिरफ्तार करके 4 पिस्तौल और 2 चोरी की गई मोटरसाइकिलें बरामद कर ली। मुलजिमान ने किराए पर आरजी रिहाइश मंगो पीर में हासिल की हुई है, जबकि मुलजिमान वारदातें करके KPK फरार हो जाते हैं। गिरोह का सरगना आसिफ कश्मीरी साथी मुलजिमान और मकरूर साथी भी माजी में गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं, जिनका सबका रिकॉर्ड मौजूद है। मुलजिमान ने दौरान इंट्रोगेशन, दौरान डकैती मुतादित लोगों को गोली मार कर जख्मी करने का एतराफ किया है। मुलजिमान के आदम गिरफ्तार मफरूर साथी मुलजिमान और मजीद बरामदगी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मुलजिमान के नाम हसीब उर्फ आसिफ कश्मीरी, लुकमान हकीम, महबूबुर रहमान शरीफ हैं, जिनके खिलाफ मजीद तफ्तीश की जा रही है। SSP कोरंगी फैसल बशीर मेमन के हुक्म पर डिस्ट्रिक्ट कोरंगी पुलिस के तमाम थानेदारों को जराइम पेशा नासिर और स्ट्रीट क्रिमिनल्स और मंशियात फरोश गुटका मावा फरोश मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाइयां तेज करने के सख्त अहकाम। थाना सऊदाबाद पुलिस की कार्रवाई मुसर से हकमीन पूरी मावा सप्लायर मुलजिम गिरफ्तार। SHO थाना सऊदाबाद इंस्पेक्टर मिनहाजुल हसन ने हमरा पुलिस पार्टी के मेन पूरी मावा सप्लायर मुलजिम को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से 5 किलो से ज्यादा मुसर से हथियार, मेन पूरी मावा, एक मोबाइल फोन और नकदी रकम 500 रुपए बरामद कर ली गई। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से जेर इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी पुलिस तहवील में ले ली गई। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त हमजा वल्द अख्तर के नाम से हुई। गिरफ्तार मुलजिम को बड़ी हिकमत अमली से मुखबर खास की इतला पर छापा मार कार्रवाई करके गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुलजिम आदि मुजरिम है और थाना सऊदाबाद से मीन पूरी मावा सप्लाई के दीगर मुकदमात में पहले भी जेल जा चुका है। रोजनामा अलिफ इस्लामाबाद कराची हैदराबाद ठट्टा सकर से बयक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार। सिंध भर के तमाम न्यूज पेपर स्टॉल पर दस्तियाब। आप आज ही पढ़े रोजनामा अलिफ। वेस्ट पुलिस ने तालबा से गैर इखलाकी हरकत और हिरासा करने वाले मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया। वेस्ट पुलिस ने वीडियो वायरल होने के बाद 3 घंटे में मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया। मुजरिम की तालबा बच्ची के साथ गैर इखलाकी हरकत की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। SHO पीराबाद ने वायरल वीडियो की मदद से कार्रवाई करके मुजरिम नसीम वल अनवर को गिरफ्तार किया। मुजरिम की गिरफ्तारी के बाद मुतासरा बच्ची के वालिद की मुदय्यत में मुजरिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
जिनसे तफ्तीश जारी है। पुलिस औरतों और बच्चियों को सेफ इन्वॉल्वमेंट देने के लिए कोशा है। इससे कबल भी तालबा से गैर इखलाकी हरकत करने वाले मुल्जिम को 16 घंटे में गिरफ्तार किया गया था। वालदैन हजरात से इल्तमास है कि अपने बच्चों को दुरुस्त तरबियत दें और इस तरह की हरकत करने की सूरत में उसके नतीजे से आगाह करें। SIU CIA की कार्रवाई। SIU ने बैंकों के बाहर डकैतों में मुलव्वस 3 स्ट्रीट क्रिमिनल्स गिरफ्तार कर लिए। SIU ने खुफिया इत्तला पर बिन हाशिम मॉल सर्विस रोड में यूनिवर्सिटी रोड से अली गुल वल कादिर बख्श, मलिक गुलजार वल सोकड़ी, गुलाम अब्बास वल गुलाम यासीन को गिरफ्तार कर लिया। मुजरिमान बैंकों से रकम लेकर निकलने वाले लोगों को लूटते थे। मुजरिम अब्बास बैंक के अंदर से कैश लेकर निकलने वालों के इत्तला अपने साथियों को देता था, जो कि मस्कूरा अशखास को पीछा करके लूटते थे। मुजरिमान ने सचल, सफूरा समेत दीगर इलाकों में बैंक से बाहर लोगों से लाखों रुपए लूटने का इंकशाफ किया है। कबल अजा मुजरिमान डकैतियों और दीगर मुकदमात में गिरफ्तार हो चुके हैं। गिरफ्तार मुजरिमान से 3 अदद पिस्टल्स और 2 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गईं। नाजायज असलहा के बरामदगी पर मुजरिमान के खिलाफ थाना SIU में सिंध असलहा एक्ट के तहत 3 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। मुजरिमान से तफ्तीश जारी है, मजीद इंकशाफात मुतवक्के हैं। जिला ईस्ट पुलिस का हाउस रॉबरी मुजरिमान से मुकाबला। एक मुलजिम सकमी समेत 2 मुजरिमान गिरफ्तार, असलहा बरामद। साइट सुपर हाईवे पुलिस का मोहम्मदी गोट कच्चियाबाद में मुलजिमान से मुकाबला हुआ। 8-10 मुलजिमान असलहा के जोर पर वारदात की नियत से घर में दाखिल हुए। शहरी खातून नसीरा नास ने 15 पर कॉल करके इतला दी। इस इतला पर करीब से गश्त पर मामूर पुलिस और 15 पुलिस फौरी तौर पर मौके पर पहुंची। मुलजिमान ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस को देखते ही फायरिंग करते हुए फरार होने की कोशिश की। 2 तरफा फायरिंग के बाद ही एक जख्मी मुलजिम समेत 2 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार जख्मी मुलजिम की शनाख्त मंठार के नाम से हुई है। दूसरा गिरफ्तार साथी की शनाख्त लियाकत के नाम से हुई है। मुलजिमान के कब्जे से 1 SMG बीमा राउंड और 1 पिस्तौल बीमा राउंड बरामद हुई। जख्मी मुलजिम को बुगस इलाज मुआलजा अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस की जानिब से जाब्ते की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। बरामदा असलहा को फॉरेंसिक के लिए तरसील किया जाएगा। गिरफ्तार मुलजिमान का सबका रिकॉर्ड मालूम किया जा रहा है। फरार मुलजिमान की तलाश जारी है। SSP कोरंगी फैसल बशीर मेमन के हुक्म पर डिस्ट्रिक्ट कोरंगी पुलिस के तमाम थानेदारों को जराइम पेशा नासिर और स्ट्रीट क्रिमिनल्स और मंशियात फरोश गुटका मावा फरोश मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाइयां तेज करने के सख्त अहकाम। थाना कोरंगी पुलिस की कार्रवाई, गुटका मावा सप्लायर मुलजिम गिरफ्तार। SHO थाना कोरंगी सब इंस्पेक्टर जाहिद खान लोदी ने हमरा पुलिस पार्टी के गुटका मावा सप्लायर मुलजिम को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से 10 किलो से जायद मुसरे सेहत गुटका मावा, 1 मोबाइल फोन और नकदी बरामद कर ली गई। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त मोहम्मद तैयब वल नूर मोहम्मद के नाम से हुई। गिरफ्तार मुलजिम को बड़ी हिकमत अमली से मुखबरे खास की इतला पर छापामार कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीशी हुकाम के सुपुर्द कर दिया गया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ स्टूडियो में फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNN न्यूज़। हमारे साथ रहिएगा।